शादी दो लोगों के बीच नहीं होती, इट इज फॉर द सोल, एंड दैट्स व्हाई वी मेक दिस डे मोस्ट मेमोरेबल डे फॉर यू. टेल मी, कैन यू इमेजिन अ दुल्हन इन व्हाइट? कहीं वो विधवा तो नहीं लगी? Exactly. People think colorful is color, but let me tell you the reality. White is the color. It is the source. And when people saw what we meant, they understood. The bride looked jaise jaadu. So let's make Delhi weddings less Delhi. Oh, Delhi bande. Hagaye kaise? Mummy ko puchti. Mummy. Hmm. Ye darwaza na, ab band hi rakha karo, bandar aa jayenge. तुम हो ना एक बंदरिया. वेरी फनी. क्या देख रहे हो तुम लोग? ऐसे वीडियो क्यों नहीं बनाते? आप कुछ नॉर्मल देख लोगे जो बाकी की मम्मियां देखती हैं? अरे ये अच्छा बना है. कुछ अच्छा नहीं है. जस्ट बिकॉज इनके पास ज्यादा पैसे हैं तो अच्छा वीडियो हो गया. एक बार हमारे पास ड्रोन आने दो फिर देखना. अरे डिसलाइक कर दिया. अगर घर वाले ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो मतलब पॉइंट क्या है? पता है वहां मम्मी बैठ के करण प्रीति के कुछ ऐसा बनाते हैं. क्या मतलब तुम लोग इनके व्यूज बढ़ाना बंद करोगे? नहीं यार कुछ अच्छा है तो उसे सीखने में क्या प्रॉब्लम है? दे रियली नो देयर स्टफ. ए प्लीज हां इतना भी कोई अच्छा नहीं है. अच्छा ये सब छोड़, ईमेल पढ़ी? हां किमी रॉय दैट कूल डिजाइनर. हां उसने ईमेल किया है, पढ़ ले. तूने पढ़ाया ना बग्स? बता ना क्या करें किमी आंटी का. किमी रॉय 2-2 लाख रुपए के डिजाइनर लहंगे बनाती है, पता है तुझे? और अब वो चाहती है हम वो सारी शादियां शूट करें जहां ब्राइड्स उसके लहंगे पहनती है. सो इट्स वेडिंग फिल्म्स बट किमी और बिग बजट्स के साथ. ए दैट कैन बी कूल यार. एग्जैक्टली. और उससे भी ज्यादा कूल है उसे हमारा काम पसंद है. जस्ट हैव टू सेंड हर अ कोट. इट कैन बी रियली बिग. वैसे तो इन डफर्स की वीडियोस क्यों देख रही है बग्स? फर्स्टली ये डफर्स हमसे ज्यादा पैसे कमाते हैं और किमी ने ना इनसे भी कोट मांगा है, तो फिर जो भी बेटर लगेगा उसी को प्रोजेक्ट मिलेगा. इनके वीडियोस प्रिटेंशियस हैं, इनको हम आराम से हरा देंगे. तू भेज बड़ा सा कोट. सोच अगर मिल गया ना 2 साल के लिए सॉर्ट हो जाएंगे यार. व्हाट डू यू मीन बाय 2 साल? अरे कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक शादी थोड़ी ना है, अलग अलग लोग अलग अलग शादियाँ. बस अब ये फिगर करना है ये कैसे क्रैक करें. या चल लेट्स सेलिब्रेट. But Bugs, come on, let's go. Okay. Okay. But Bugs, Bugs. हम ये पिच कर क्यों रहे हैं? मतलब? किमी रॉय ने हमें खुद ईमेल किया है. मुझे पता है किमी रॉय ने खुद अपने डिजाइनर हाथों से हमें ईमेल किया है. My point is should we do it? ये अभी तो बताया. 2 साल का प्रोजेक्ट है, अच्छे पैसे हैं, बड़ी बड़ी शादियां हैं, इंडिया ट्रैवल करेंगे. This sounds amazing. प्रॉब्लम क्या? और क्लोथ्स आर हॉरिबल. मुझे इसके कपड़े ही पसंद नहीं है. वो तो तुझे शादियां भी पसंद नहीं है, पर हम शूट करते हैं ना. हमारी शादियां ना बस अलग होती हैं. हम लोगों के रॉ इमोशंस को कैप्चर करते हैं. ये जो बड़ी बड़ी शादियां होती है ना इनमें कुछ नहीं होता, खोखली होती है अंदर से. इनमें कोई इमोशंस नहीं होते, सोल नहीं होती, फॉर्मेलिटी होती है बस. कुछ भी मत बोल. फिर जो तो ये बड़ी बड़ी शादियों की बात कर रही है ना, देख लेना किमी रॉय सिर्फ अपने लहंगे शूट करवाएगी. अरे तो प्रॉब्लम क्या है लहंगे शूट करने में? फिर सिर्फ प्रोडक्ट फिल्म बनाएंगे, वेडिंग फिल्म तो बनेगी ही नहीं. तो कुछ भी मत बोल यार, एक कूल कॉन्सेप्ट सोच बस. पर उसे कॉन्सेप्ट चाहिए ही नहीं, उसे बस एक कैमरा चाहिए जो उसके लहंगे को फोकस करे बस. आई थिंक तू बहुत एक्सक्यूजेस बना रही है अधीरा. देख मैं बस इतना सोच रही हूँ इफ दिस इज द राइट थिंग टू डू फॉर हैपिली हिच्ड. लाइक एज अ कंपनी क्या हमें अभी फैशन वीडियोस बनाने चाहिए? क्यों नहीं? क्योंकि हमारा एक अपना ब्रांड है, यू नो, एक स्टाइल है ऑफ मेकिंग पर्सनलाइज्ड पेपी शादी के वीडियोस. वो डाइल्यूट हो जाएगा. क्या बोल रही है अधीरा? ब्रांड डाइल्यूट नहीं होगा, किमी के साथ काम करके ब्रांड बन जाएगा. दिस इज अ बिग चांस. पर 2 साल बहुत होता है. अरे तू 2 साल के पीछे क्यों पड़ गई है? ठीक है ठीक है. हाँ मैं बताता हूँ आपको, बहुत जल्दी बताऊंगा. ओके ओके थैंक यू. हाँ हाँ
अरे शगुन, वो जो साउथ एक्स वाली जगह है ना, उसके रेंट के लिए वो 30 पे मान गया है, बताओ। कौन सा रेंट पापा? कौन सी जगह की बात कर रहे हो आप दोनों? वो चाचू अपने लिए। पता ही चल गया ना अधीरा को, तो बता देते ना इसको। वो शगुन ने ना और मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। शगुन कह रही थी कि तुम लोगों के अमेजोन पे बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, तुम लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, वो चाहती थी कि बाहर तुम लोग अपना एक ऑफिस बना लो। मैंने तो बहुत समझाया, मैंने कहा अरे घर पे जगह है, बाहर क्यों जाना, पड़ गई है तो। कहती नहीं, तो इसके पापा से फ़ोन नंबर लेकर मैंने दिनेश को फ़ोन कर दिया। चाचा प्लीज़ अभी नहीं। ओके ठीक है बग्स, ये सब तूने मेरे लिए? ये दो साल क्या है? नहीं, what is the matter? Just say it. यूडी बेटा, तुमने कल भी यही कहा था। झाग का सर्वे चल रहा है, अभी बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है, फ्री होकर फोन करना, ओके? हाँ हाँ मामा। लव यू बेटा। हाँ लव यू। बाय 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 बाय। मैं बता रही हूँ, लेट हो जाएगा। 5 बजे तक तो उसकी वो हरी वाली चटनी भी खत्म हो जाती है जो वो कचौड़ी में डाल के देता है, और आज तो वैसे भी संडे है, थोड़ा जल्दी चलते हैं। तुम हमेशा खाने के बारे में कैसे सोच सकते हो? मैं यहाँ यूडी की शादी के बारे में बात कर रही हूँ, कभी तो सीरियस हो जाया करो। अब इतना फेक अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उससे बात करनी चाहिए? अरे मैं उससे बात करता तो हूँ, वी आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। हमेशा हंसी मजाक मस्ती वही करते हो तुम। तो वो भी तो जरूरी है ना। तुम्हें नहीं लगता इट्स हाई टाइम कि तुम यूडी से शादी के बारे में बात करो? देखो ना, वो बहुत सी ऐसी बातें तुमसे शेयर करता है जो मुझसे शेयर नहीं करता। ठीक है, इस बार मैं उससे जरूर शादी की बात करूंगा। जब शादी के बारे में बात करो ना, तो सिर्फ शादी के बारे में बात करो। अरे मैं उसको समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी। पुराने जमाने से माँ बाप शादी तय कर देते थे और बच्चों की ड्यूटी हो जाती थी कि वो शादी करें, क्योंकि उसी दिन उसका बचपना खत्म हो जाता है। मतलब वो जवानी की तरफ कदम बढ़ाता है। आजकल के जमाने की तरह नहीं कि वो जिस जब माया मन में हाँ कर दी, जब माया मन में ना कर दी। मैं जरा कचौड़ी ले आऊँ, वो हरी चटनी खत्म हो जाएगी प्लीज। बैंक डिटेल्स व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं एक दो दिन में आपका पेमेंट करवा देती हूँ। हाँ जी नोट कर लिया, हो जाएगा। ओके थैंक यू भैया। तू कॉलेज के बारे में श्योर है क्या? नहीं अभी बस सोच रही हूँ, बक्स कुछ डिसाइड नहीं करा है। तुझे सच में पढ़ाई करनी है क्या? हाँ तूने भी तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ना, एंड लाइक आई रियली वॉन्ट टू डू इट। दूसरों का काम देख यार, my work is nowhere close to it. और you know bugs, अगर मैंने पढ़ाई नहीं भी की ना, I wanna go with the flow. मैं नहीं बंधना चाहती हूँ। What do you mean by go with the flow? Take it as it comes. How can you be so casual about this? हम happily hit साथ में चलाते हैं। तेरी एक choice decide करेगी कि company का future क्या है, मेरा future क्या है। This is not only about you. सब तेरी तरह तो होते नहीं है ना bugs, की life पूरी decide करके बैठ गए। And like, what's wrong with you? तू इतना over sentimental क्यों हो रही है? I'm sorry, man. I'm sorry doesn't solve the problem, Adhira. अगर तुझे ये सब तू पहले ही बता देती ना, start करने से पहले बोल देती। Listen, Shagun, मेरी बात सुन। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं सिर्फ सोच रही हूँ, मैंने कुछ decide नहीं। नहीं यार, मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि I thought we were a team. तू पहले बोल सकती थी ना, एक दिन बस उठ के बस डिसाइड कर। शगुन आर यू नॉट लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग? मैंने नहीं करा है डिसाइड यार कुछ। रहने दे अधीरा, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, डू व्हाटएवर यू थिंक इज ओके। अरे यार नहीं, इट्स कूल यार, तू बात नहीं सुन रही है शगुन। छोड़ना है शगुन यार। बेपना बरसों से कुछ कह रहा, इसकी सुन लो चुप होगा ये नहीं। शगुन भाभी है ऊपर। मैंने ना परवल बनाए, खा लेना। जाने
जाते कहाँ ये पता नहीं मैं तो पीछा धड़कन का कर रही You know the videos had to be about the lehengas. Are you distracted? आगे होता है क्या ये खबर है लापता आगे जो भी होगा ए आदु शगुन नहीं दिख रहे कहीं बाहर गई है क्या मौसम का हाल ठंड अकेलापन शादी डन जीन्स को अगर गर्म पानी में धोए तो वो श्रिंक हो जाता है क्या जीन्स को गर्म पानी में धोने से यह हमारे कंज्यूमर दीपा का एक्सपीरियंस है एक मिनट पॉज करना हाँ पापा अरे कहाँ हो यार कभी फोन ऑन कर लिया करो सॉरी यार बिजी हो गया था अच्छा बिजी चल रहे थे वो मौसम कैसा है वहाँ पे और ठंड वंड पड़नी शुरू हुई कि नहीं पापा पसीने में मर रहा हूँ मैं यार अभी अरे तुम्हारा मुंबई भी ना सारा साल अगर पसीना ही आता रहेगा तो लोग काम कब करेंगे हैं दुर्गापुर में हूँ कलकत्ता के पास कोलकाता के पास अरे वहाँ क्या काम चल रहा है यार बस एक नया डिटर्जेंट लॉन्च हुआ है उसमें झाग कम आता है बस उसका ही काम झाग कम आता है पर झाग कम क्यों आता है भाई झाग तो होना चाहिए ना पहले कहते हो कि क्या कहते हैं झाग अच्छा होता है जब लोगों का कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ झाग पे तो तुम उल्टा बोल रहे हो कि झाग नहीं होना चाहिए मतलब ये क्या हुआ पापा वो पहले था यार अब टेक्नोलॉजी बदल गई है मैं तो सिर्फ रिसर्चर हूँ ना आप मुझे क्यों पूछ रहे हो मैं डिसीजन थोड़ी बनाता हूँ चलो मैं रख रहा हूँ ओके अरे नहीं सुनो 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 अभी बाकी है यार अरे सुनो वो तुम वहाँ पे वो रिसर्च का काम करते हो अकेले होगी ना तुम है ना अकेला नहीं हूँ ना मैं ये है वहाँ कौन हेलो बोलो प्रणाम सर आमी प्रोसनजीत ट्रांसलेटर प्रशोहन आहा आमी राजीव युडिर बाबा कैमन आछो भालो ना खूब भालो सर खूब भालो हाँ हाँ एक तो कथा बोलो कि ये साबुन में ये झाग का की मसला है एक ही R&D है हमें बुझते पड़ी ना आर बोलवे ना वही झागेर जोन्नो तो माथा खड़ा भई कोलकाता है यार एक बार बता तो सकती थी ना how irresponsible of her babe she is only 25 so अरे उसको नहीं पता यार अगले दो साल में उसे क्या करना है अच्छा tell me one thing इस एज पे क्या तुझे पता था अच्छा मान लिया तुझे पता भी था बट आई मीन वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था एटलीस्ट शी इज बीइंग ऑनेस्ट विद यू यार मैंने भी तो अपना जॉब छोड़ा है ना रिस्क लिया था ना बिकॉज आई बिलीव्ड इन यू नो इट वाज माय ड्रीम फॉर अस टू मेक इट टू 30 under 30 तो तुझे कौन रोक रहा है तू करना अकेले मुझे ये एडिटिंग वेडिटिंग मुझे नहीं समझ आता ये सब अधीरा का फोटो है ये सब सिर्फ मेरा ड्रीम था अकेले का देख शगुन कोई भी बिजनेस ना खाली फाउंडर्स के बेसिस पे नहीं बनता और अगर कुछ नहीं बना ना तो मेरा फोम का बिजनेस तो है ना तू मैट्रेस संभाल लियो मैं सोफा बनाऊंगा सिंपल नहीं मुझे नहीं ज्वाइन करना है सुरेंद्र फोम पैलेस ये पापा को बीच में क्यों ला रही है तू अरे कंपनी का नाम है ना एटलीस्ट तू सुरेंद्र पापा बोल सकती है ना यार सुरेंद्र पापा फोम पैलेस And action. Hi, I'm Shagun Agrawal. I'm the co-founder of Happily Hitched. अरे हिंदू ये सीटी बंद करो ना क्या कर रहे हो तुम आवाजें कर लो मेरा कुकर ना करे हो गया बग आखिर पकड़ एक सेकंड फिर से बस पकड़ अच्छा ठीक है सॉरी ओके वन लास्ट टाइम कैसे चलता है ये ठीक है You're doing very well. भाई देखो मैं लेट हो रहा हूँ मेरा KBC शुरू हो रहा है मैं जा रहा हूँ विष्णु चलो कल सुबह कर लेना तुम लोग ना प्लीज विष्णु भाई माइंड क्या वो चलो जल्दी करो विष्णु अपसेट क्यों हो रही है क्योंकि करना है यार मजा आएगा अच्छा सीरियसली करना है ठीक है फिर अमित को फोन करते हैं really? हाँ चल ना बहुत टफ है मैं टफ नहीं तो बहुत सुंदर
अरे तुम क्यूट लग रहे थे अमित नहीं अच्छे तुम्हें मैं नहीं अच्छा ठीक है अमित को बुला रहा अधीरा I need your help. मम्मा नॉक करके आया करो ना यार अच्छा ठीक है मैंने तुम्हारे पापा से कहा था कि यूडी से शादी के बारे में बात करें वो उससे कुछ बंगाली में बात कर रहे हैं तो आप बात कर लो ना यार हाँ मैं तो कर लूंगी तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है जिसको तुम यूडी से इंट्रोड्यूस करा सको दोस्त है पर भैया इतने स्टकअप है अच्छा वो सुबह वीडियो वाली लड़की वो कौन थी प्रीति अच्छा प्रीति उसके साथ जो लड़का था वो कौन उसका हस्बैंड है फ्रेंड है मम्मा आप क्यों पूछ रहे हो पूरा नाम तो बताओ उसका प्रीति गुप्ता आप जाओ ना यार प्लीज अच्छा ओके ओ इससे पहले मैं भूल जाऊं ये शगुन को देना है कह रही थी उसे बहुत टेस्टी लगते हैं और एक बार खा लेती है तो पूरा दिन एक्टिव रहती है तू सीख उससे कुछ जाओ ना हूँ क्या ना अच्छा अच्छा जा रही ये ले याद से दे देना ओके बाय बाय हाय ये ले मम्मी ने तेरी कुकीज भिजवाई हैं आई सी शी इज कन्वर्टेड यू आल्सो ट्राई किया जाए तू ये वाली खा इम्यूनिटी के लिए अच्छी और उससे दिमाग भी ठीक रहता है और क्या सोच रही है पिच के बारे में बाबा क्या सोच रही है पुराना काम भी दिखाना है तो शॉट सेलेक्ट कर रही हूँ हमको ना सारे शॉट्स में एक सिमिलर कलर टोन सेट करना चाहिए आई फील उससे मूड बनेगा प्रीसेट बना के दिखाऊं नहीं जैसा है ठीक है दिखा जरा कौन कौन से शॉट से मैं कर रही हूं ना करने दे बग्स मैं कल तो नहीं जा रही ना अभी है टाइम बाद में डिस्कस कर लेंगे अभी जो काम है पहले वो खत्म करते हैं चल मतलब पिच करना है ना तो करते हैं पिच लेट्स वर्क ऑन इट एंड गेट डन विद इट अधीरा मैं तुझे कुछ कह रही हूँ शगुन बहुत हो गया आई मीन इनफ नाउ मैं कल से सुन रही हूँ जो दिमाग में आया वही बोला ना आई एम नॉट रेडी फॉर अ दो साल का प्रोजेक्ट एंड लास्ट मिनट तो कोई बॉम्ब नहीं ड्रॉप कर रही हूँ ना मैं तुझ पर आई एम कीपिंग यू इन द लूप ट्रांसपेरेंट हो यू व्हाट द हेल डू यू वांट अधीरा बहुत हो गया यार अभी प्लीज काम करना है मुझे गॉड जंपी लग रहा है स्मूथ ट्रांजिशन करना है तो फेड इन फेड आउट कर मैं कर लूंगी कमांड टी है इफ यू वांट टू ऐड ट्रांजिशंस टू द क्लिप यूज द शॉर्टकट कमांड टी लेट्स सी कौन सी क्लिप्स है क्लिप्स तो अच्छी से लगी हैं। गीतांजलि अंशुमन वाली हटा देते हैं। किमी रॉय के लिए तो कुछ फैंसी सा बनाते हैं। लहंगे का क्लोजअप। ठीक है। लहंगे का क्लोजअप डालें। अधीरा की कोई दोस्त है? प्रीति। आई थिंक हमें ना थोड़ा और वेट करना चाहिए भाई। मुझे भी लगता है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ना अरे यूडी हैज टू बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड और क्या करेक्ट इनके वीडियोस देखे हैं तुमने देखो काफी अच्छे वीडियोस बनाते हैं ये लोग मैं सोच रही थी यूडी की शादी में जब भी करेंगे तब इनसे वेडिंग वीडियो बनवाएंगे थोड़े महंगे हैं पर काफी यूनिक हैं अरे इंटरेस्टिंग तो है मगर वो बात नहीं है कौन सी बात है जो अपनी शगुन और अधीरा के वीडियोस में है सिंपल है लेकिन कुछ तो है जो मन को छू जाता है इन लोगों की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है भाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कम कम पता है तुम्हारी बात चल रही है इतनी लोगों की अच्छा क्या यही कि लोगों को सारी उम्र लग जाती है सही पार्टनर ढूंढने में गुड मॉर्निंग यहाँ तुम लोगों घर से बाहर ही नहीं निकलना पड़ा गुड मॉर्निंग बॉक्स गुड मॉर्निंग घर बैठे ही सब कुछ हो गया अरे सुनो
वो उसका साउथ एक्स वाले ऑफिस का क्या प्लान है तुम लोगों का? कौन सा ऑफिस? अरे इन लोगों की अमेजोन पे अच्छी खासी कमाई हो रही है. mm-hmm. अब ये चाहते हैं कि अपने पैसे से एक नया ऑफिस रेंट पे लें. अच्छा हाँ. फोटोज दिखा. अरे हाँ देखो देखो अच्छा है ना. अरे वाह. अच्छा सुनो ना. तो तुम अपनी कंपनी का सामान क्यों नहीं अमेजोन पर बेचते? Exactly. हमारे तुम्हारे ख्यालात कितने मिलते हैं. No harm in getting an extra income. Yes. देखो तुमने ये बहुत सही डिसीजन लिया है. अब तुम दोनों प्रोफेशनल दिखोगे. वैसे भी इनका बिजनेस तो लॉन्ग रन के लिए है ना. Of course it is. I know they are on the right path. और सुनो मैं क्या बोल रहा था. अगर ये ऑफिस में ना ये देख रही हो यहाँ पे अगर बीच में एक स्लाइडिंग डोर ग्लास वाला लगा दें तो. नहीं पर उस वो क्यों, यहाँ पे हम सेंटर टेबल रखते हैं ना. लोग आएंगे यहाँ पे ऐसे राउंड टेबल बात करेंगे आप पसंद है. तो फिर एक काम करते हैं यहाँ पे एक कबर्ड बनाते हैं जिसमें कि वो अधीरा के वो सारे लेंसेज और कैमरा. हां ठीक है शगुन का वाइट बोर्ड. लंबी लंबी बातें मेरी मम्मी की खत्म ना होए, पड़ोसी की कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें कभी बंद ना होए. एक दिन हमें कॉर्नर ऑफिस मिलेगा, उसमें थोड़ा वक्त है पर तब तक ये चलेगा. बच्चे माधुरी को कॉपी पोस्टरों पे मेरी थी सिर्फ इंदिरा नुई. रॉकफेलर पे अपना ब्रांच भी खुलेगा, उसमें थोड़ा वक्त है पर तब तक ये चलेगा.